हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट पे। माफ़ी चाहता हूं सबसे पहले तो ये कि बहुत दिनों से मैंने वीकली जो करंट अफेयर वीडियो था वो नहीं अपलोड किया था, बट आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुलाई सेकेंड वीक 2019 का वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सन, फेमस पर्सनालिटी एंड न्यूज़, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्पोर्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे के पहले जितने भी वीडियो रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, आई थिंक जून के कुछ वीडियोज़ हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं और जुलाई का फर्स्ट वीक का, तो मैं ये वीडियो आपको सभी को अपलोड कर दूँगा। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि सेकेंड जुलाई 2019 का, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट अपडेशन है वो है बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस सेक्टर से। तो सबसे पहले अपडेशन हम करते हैं आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है, आरबीआई। सो आरबीआई रिकमेंडेड टू चेंज द टाइमिंग ऑफ कॉल मनी मार्केट। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने आरटीजीएस के टाइमिंग को चेंज करने की बात की थी। आरटीजीएस आप जानते हैं कि हमारे पास तीन नेशन वाइड पेमेंट हैं, एक है आपका आईएमपीएस, दूसरा है एनईएफटी और तीसरा आरटीजीएस। तो जो आरटीजीएस की टाइमिंग थी बिगनिंग में वो हुआ करती थी 8 AM से लेके 4:30 PM, ये हुआ करती थी 8 AM से लेके 4:30 PM। बट अब इस टाइमिंग को चेंज करने की बात की थी आरटीजीएस ने, आरबीआई ने, और इसकी जो न्यू टाइमिंग है वो 8 AM से कर दी गई है 6 PM, ठीक है। तो सिमिलर जो नया चेंज है वो आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि ऑल्सो चेंज द टाइमिंग ऑफ कॉल मनी मार्केट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी जो प्रेजेंट में इसकी टाइमिंग है वो है 9 AM से 5 PM, और जो न्यूली रिकमेंडेशन है वो याद रखिएगा 9 AM टू 6 PM। तो सबसे पहला तो ये अपडेशन कि किस मार्केट का टाइमिंग चेंज होने जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉल मनी मार्केट या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज़ रिकमेंडेड बाय आरबीआई टू चेंज द टाइमिंग फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, यानी कि 1 आवर एक्सटेंड किया जाएगा। और ऑलरेडी जो टाइमिंग चेंज हो चुका है वो याद रखना है आपने आरटीजीएस का, कि आरटीजीएस का टाइमिंग अब 8 AM से 4:30 PM नहीं है, 8 AM से 6 PM है। आप एनईएफटी का टाइमिंग ऑलरेडी जानते हैं जिसका टाइमिंग है 8 AM टू 7 PM, और जो आईएमपीएस का टाइमिंग है वो 24/7 रहता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेशन की ओर। तो जो नेक्स्ट अपडेशन है वो भी आरबीआई से ही रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है ऑलरेडी कि जो आरबीआई ने टाइमिंग चेंज की है वो आरटीजीएस की, यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन है, तो आप ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड पार्ट ये है कि आरबीआई ने अपने रेगुलेशन और सुपरविजन को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम याद रखना आपने, उत्कर्ष रोडमैप 2022। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा जो अपकमिंग आपका आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई का है, कि उत्कर्ष रोडमैप लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली आंसर याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स माय नेम टू इम्प्रूव आरबीआई रेगुलेशंस एंड सुपरविजन। तो आरबीआई ने अपने रेगुलेशंस और सुपरविजन्स को इम्प्रूव करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो याद रखिएगा, दैट इज उत्कर्ष रोड मैप 2022। या फिर ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई लॉन्च उत्कर्ष रोड मैप इसका टारगेट कितना है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में आरबीआई ने वर्क करना है, नेक्स्ट इन द 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये टारगेट रखा गया है हमारा, टू इम्प्रूव द बैंकिंग आरबीआई रेगुलेशंस एंड सुपरविजन। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, एक कॉल मनी मार्केट का टाइमिंग चेंज किया जाना, कि इसको 5 PM से 6 PM तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, 9 AM टू 6 PM, और जो नेक्स्ट है वो है उत्कर्ष रोडमैप। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेशन की ओर। तो जो नया अपडेशन है दोस्तों वो है जनधन अकाउंट से रिलेटेड। जनधन अकाउंट बड़ा फेमस टर्म है, आप जानते हैं कि सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 28 अगस्त 2014 को, जिसका नाम था PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसके लिए टैगलाइन दिया था मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। और ये बाद में विश्व का सबसे बड़ा अकाउंट ओपनिंग स्कीम हुआ, जिसके अंडर सरकार ने एक जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया। जीरो बैलेंस
यानी कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रिक्वायर मेंटेन मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस इन जनधन अकाउंट। तो मोस्टली इट इज़ फॉर द वीकर कैटेगरी, जो वीकर कम्युनिटी है, पुअर कैटेगरी पब्लिक है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अकाउंट लॉन्च किया, दैट इज जनधन अकाउंट। ये किस स्कीम का पार्ट था ये याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके लिए टैगलाइन दिया गया मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, अच्छा अब अगर इस जीरो बैलेंस अकाउंट की हम बात करें तो दिस जीरो बैलेंस अकाउंट इनबिल्ट 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर किसी के अकाउंट में 20,000 रुपये है और उसको 30,000 की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स यू कैन विड्रॉ एन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट अगेंस्ट द डिपॉजिट बैलेंस। आपका डिपॉजिट बैलेंस है 20,000, आपको रिक्वायर्ड है 30,000 की, तो आप ये जो 10,000 एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं अपने डिपॉजिट बैलेंस के अगेंस्ट में, उसी फैसिलिटी को हम लोग क्या नेम देते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ये जो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, मोस्टली अवेलेबल होती है करंट अकाउंट में, जहाँ पर लिमिट 15 लाख तक होती है। बट ये जनधन अकाउंट एक ऐसा सेविंग अकाउंट एक्सेप्शन केस में है जिसमें ओडी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पहले ये लिमिट 5,000 हुआ करती थी, बट अब सरकार ने लिमिट को 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया। तो ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट होगा। दूसरा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस याद रखना है, पहले ये 1 लाख का था बट अब सरकार ने इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। और थर्ड पॉइंट है इसका लाइफ इंश्योरेंस, इसमें जो एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है 30,000 है। ठीक है, ये तो कुछ स्टैटिक के पार्ट थे, अपडेशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो सरकार ने बोला है कि जनधन अकाउंट में जो डिपॉजिट है ये 1,00,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, इन द जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट द डिपॉजिट्स क्रॉसेस 1,00,000 करोड़ रुपए। और सरकार ने भी बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अब तक लगभग कितने अकाउंट ओपन हो चुके हैं, तो याद रखिएगा 34 करोड़, अब तक लगभग 34 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 27 करोड़ लोगों को रुपये कार्ड दिया जा चुका है। ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि अप्रोक्स जून 2019 के एंड तक 34 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 27 करोड़ खाता धारकों को रुपए कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और इन सभी अकाउंट में जो टोटल डिपॉजिट है वो याद रखिएगा क्रॉस कर गया है 1,00,000 करोड़ से। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो भी इस पर एक क्वेश्चन आया था कि आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन इन विच स्टेट मैक्सिमम जनधन अकाउंट ओपन। तो डिमोनेटाइज मुद्रा विस्फीतिकरण के बाद जो सर्वाधिक जनधन अकाउंट खोले गए वो था यूपी एंड बंगाल। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई थिंक अभी तक आई वो मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि जनधन अकाउंट इज कॉल्ड जीरो बैलेंस अकाउंट या विच अकाउंट इज कॉल्ड जीरो बैलेंस अकाउंट। इसको बिगनिंग में कई जगह पर आपको एक और इसमें नाम मिलेगा तो वह याद रखिएगा, दैट इज़ द BSBDA, ये कई जगह पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दिस अकाउंट ऑल्सो नोन एज, ये याद रखिएगा, दैट इज BSBDA, बेसिक सेविंग जनधन अकाउंट, ये याद रखिएगा BSBDA, बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसको कई जगह पर इस एब्रिवेशन से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो अपडेशन था ये याद रखना है कि जनधन अकाउंट में जो टोटल डिपॉजिट है कितनी से क्रॉस हो चुका है, दैट इज 1,00,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट अपडेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपडेशन है रिलेटेड टू SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो लोन लेंडिंग रेट है उसको डिक्रीज कर दिया है बाई 5 बेसिस पॉइंट। आप जानते हैं कि रिसेंटली RBI ऑल्सो कट कंटिन्यूसली रेपो रेट। जब RBI रेपो रेट कम करती है तो इसका मीनिंग है कि कॉमर्शियल बैंक्स गेट चीपर लोन फ्रॉम RBI, और जब कॉमर्शियल बैंकों को चीपर लोन मिलेगा सो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो फर्दर अलोकेट चीपर लोन फॉर पब्लिक। तो रेपो रेट के कम होने से SBI ने भी अपना जो लोन लेंडिंग रेट है वो भी कितना कम कर दिया है, 5 बेसिस पॉइंट। ये याद रखिएगा, SBI आप जानते हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट PSB है। ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक है, जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। इस पर कई बार क्वेश्चन और भी आया है कि विच इज़ नोन एज द एजेंट ऑफ RBI। अगर वह पूछता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को हम RBI का एजेंट बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपने किस आंसर को ही टिक करना है, SBI। SBI नोन एज द एजेंट ऑफ RBI। दूसरा, इंपीरियल बैंक लेटर कन्वर्ट इन टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो भी आंसर किसको टिक करना है आपने, SBI को। एक और क्वेश्चन पूछता है कि SBI अर्लियर वॉज नोन एज, तो आपने भी टिक करना है वहाँ पर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं SBI पर, जो आप लोग याद रखिएगा। कभी हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं SBI पर RBI पर, वो एक अलग से PDF में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये था इस वीक का इंपॉर्टेंट अपडेशन रिलेटेड टू बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस। अब मूव करते हैं हम लोग
ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो अगर नेशनल और इंटरनेशनल में देखा जाए दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए गए लास्ट वीक में। सबसे पहला ऑपरेशन था जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया म्यांमार में, जिसका नाम था ऑपरेशन रखीने। ऑपरेशन रखीने का जो मेन एम है, इसके अंडर जो भारत सरकार है वो म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए फैब्रिकेटेड हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके प्रोवाइड कर रही है। तो ये याद रखिएगा, अंडर द ऑपरेशन रखीने इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड 250 फैब्रिकेटेड हाउसेस फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स इन म्यांमार। ठीक है, पहले तो ये अच्छा, जब बिगनिंग में ये इशू स्टार्ट हुआ रोहिंग्या माइग्रेशन का, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से माइग्रेट होके बांग्लादेश में सेटल हो रहे थे, और उसके लिए भी सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन इंसानियत। जो बिगनिंग वाला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये बहुत टाइम हो गया बट फिर भी याद रखिएगा दोनों को कोरिलेट करके, क्योंकि मैंने हमेशा समझाया है बैंकिंग में थ्योरी में यही बात निर्भर करती है कि आप चीज़ों को कितना कोरिलेट करके याद रखते हैं। पुराने फैक्ट हैं वो आपने याद रहने चाहिए कि यार इससे रिलेटेड पहले भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो आसान हो जाएगा। रट्टा मारने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब म्यांमार की कैपिटल और करेंसी की बात करें हम लोग, तो इसका जो करेंसी है दैट इज़ कयात, और इसकी जो कैपिटल थी पहले रंगून थी, बट अब इसकी जो कैपिटल वो याद रखिएगा दैट इज़ द नेपिडा। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी जो करेंसी है वो कयात है, कैपिटल है जो है नेपिडा। ठीक है, यहाँ पर सरकार दो प्रोग्राम चला चुकी है, एक ऑपरेशन इंसानियत जिसमें फ़ंड एलोकेशन किया था, और दूसरा है ऑपरेशन रखीने जिसमें फैब्रिकेटेड हाउस करके बिल्ड करके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए सेकेंड मिशन की बात करते हैं, दैट इज़ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ठीक है, इसका मेन एम है टू प्रमोट कल्चर कॉमा इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो इसका एम याद रखिएगा रक्षा ज्ञान शक्ति का, इट्स मेन एम टू प्रमोट कल्चर कॉमा इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेटेड बाई द इंडियन रेलवे, तो ये RPF चला रही है जिसका नाम है ऑपरेशन थ्रस्ट। तो जो ऑपरेशन थ्रस्ट का मेन एम है, ठीक है, आप जानते हैं कि रेलवे में बहुत सारे ऐसे ड्रिंकिंग वाटर हैं जो अनऑथराइज हैं, जिनका ब्रांड का कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वाटर की क्वालिटी है या नहीं है बट फिर भी उनको सील करके पैक्ड करके बेचा जाता है। ठीक है, जिससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो RPF ने, रेलवे ने ऐसे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जो अनऑथराइज्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को सेल करते हैं, और उसी के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन थ्रस्ट। सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय द RPF रेलवे पुलिस फोर्स टू क्रैक डाउन सेलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड ड्रिंकिंग पैक्ड वाटर इन रेलवे। ठीक है, तो ये याद रखेगा, जिसके अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा सेलर्स को पकड़ा गया जो अनऑथराइज्ड ड्रिंक पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को रेलवे में बेच रहे थे, जिसका नाम था ऑपरेशन थ्रस्ट। अगर आपको याद हो इससे पहले भी रेलवे ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन सत्यनिष्ठा, जिसमें एक एम्प्लॉय रिफॉर्म प्रोग्राम था। ठीक है, उसका नाम था ऑपरेशन सत्यनिष्ठा, और अभी जो रिसेंटली प्रोग्राम आया है इसका नाम है ऑपरेशन थ्रस्ट। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन सुदर्शन। ठीक है, सो इट इज़ ऑपरेटेड बाई द BSF एट इंडिया पाक बॉर्डर। ये BSF के द्वारा चलाया जा रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन सुदर्शन। तो जो इंडिया पाक बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, अवैध घुसपैठ होती है, उसको रोकने के लिए जो प्रोग्राम है दैट इज ऑपरेशन सुदर्शन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, म्यांमार में जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा ऑपरेशन रखीने, और जो दूसरा कल्चर इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करने के लिए रक्षा ज्ञान शक्ति, रेलवे ने में जो अनपैक्ड अनऑथराइज्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है उनको रोकने के लिए है ऑपरेशन थ्रस्ट, और पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन जो अवैध घुसपैठ है उसको कंट्रोल करने के लिए है दैट इज़ ऑपरेशन सुदर्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल में। जो इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो इस समय एक कंट्री है जो बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, एक तो नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशंस वो अमेरिका के साथ बेटर हो रहे हैं, और अमेरिका के रिलेशन ईरान के साथ ख़राब हो रहे हैं, तो इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ये चल रहा है। दूसरा, जो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर थे जिनका नाम था किम जोंग, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर दिया है। नॉर्थ कोरिया रिवाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में किम जोंग को वहाँ का सुप्रीम लीडर लिखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा गया है दैट इज़ किम जोंग अनाउंस्ड एज ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट। तो इनको अब ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया है। नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं, हज़ार बार हमने किया है कि इसका जो करेंसी है वो है वॉन। ठीक है,
और इसका जो करेंसी है दैट इज कैपिटल है पियोंगयांग। तो ये आपको कई बार किया हुआ है, आप जरूर याद रख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम एक स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा देश है वो अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी सबसे टॉप पर है। तो जो सबसे पुराना एक राजघाट कोल थर्मल प्लांट था उसको सरकार ने बंद करके कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया है सोलर प्लांट में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वह क्वेश्चन पूछेगा कि विच कोल थर्मल प्लांट शट डाउन बाई गवर्नमेंट एंड कन्वर्टेड इंटू सोलर प्लांट, तो याद रखिएगा दैट इज़ राजघाट कोल थर्मल प्लांट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसको वहाँ की सरकार के द्वारा कम्प्लीटली बंद किया गया और इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सोलर प्लांट में, जिसकी लगभग कैपेसिटी होगी 5000 किलोवाट की। अगर हम राजघाट, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट, दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये जो राजघाट कोल थर्मल प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। दिल्ली के अगर हम गवर्नर की बात करें तो मिस्टर अनिल बजाज हैं, वहाँ के जो सीएम हैं तो मिस्टर केजरीवाल हैं। दूसरा एक और इसमें अपडेशन है, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली जो ऑफिस लोकेशंस थी उनकी लिस्ट आई थी, जिसमें हांगकांग टॉप पे था, बट इंडिया की एक लोकेशन को भी इसमें रखा गया है। तो जो दिल्ली का सीपी है, कर्नॉट प्लेस, दैट इज़ द 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो जो कर्नॉट प्लेस है ये याद रखिएगा, कर्नॉट प्लेस सीपी, इट इज़ द 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस लोकेशन इन द वर्ल्ड। बट जो मुंबई की रैंक है वो थोड़ा डाउन हो गई है। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, समिट्स हैं, तो उनके लोकेशंस हम करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम ये होने जा रही है लंदन में, ठीक है। सेकंड है जो 19th कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग है, इसका लोकेशन भी लंदन है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पढ़ने बहुत कंपलसरी है पढ़ के जाना कि जो वुमेन स्टार्टअप समिट है 2019 का, इसको कौन सा स्टेट होस्ट करने जा रहा है, वो याद रखिएगा, दैट इज़ द केरला। तो केरला आप जानते हैं कि इंडिया का मोस्ट गवर्न स्टेट है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल स्टेट है, जहाँ पर एक टेम्पल का बड़ा इशू चल रहा था, SSCM क्वेश्चन भी पूछा, सबरीमाला से रिलेटेड था, ठीक है। तो वो करके जाना है। यहाँ का फेस्टिवल आप जानते ही हैं, ओनम है, ठीक है। केरला का सीएम पिनारैया विजयन की बात करेंगे और गवर्नर हैं वो पी सदाशिवम हैं। तो जो केरला है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल स्टेट या बेस्ट गवर्न स्टेट, वो वुमेन स्टार्टअप समिट 2019 को होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं इंटरनेशनल में यूक्रेन की। सो यूक्रेन इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेटल डोम, विश्व का जो सबसे बड़ा मेटल से बना हुआ जो डोम है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है यूक्रेन में। यूक्रेन की कैपिटल भी देख के जाइएगा और करेंसी भी देख के जाइएगा। तो ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेटल डोम है, इसकी जो हाइट है अप्रोक्स दैट इज 108 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसार भारती की। तो रिसेंटली प्रसार भारती का और IIT कानपुर का एक पैक्ट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेहतर करने के लिए। तो प्रसार भारती के जो CEO हैं वो याद रख के जाइएगा, शशि शेखर वेमपति, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ न्यू दिल्ली। और रिसेंटली प्रसार भारती ने जो पैक्ट किया है, MOU किया है, वो याद रखिएगा IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट अपडेशन है फ्रांस से रिलेटेड। तो फ्रांस आप जानते हैं कि विश्व का पहला कंट्री है जो कि सोलर सेल पर बेस्ड रोड बना रहा है, और दूसरा उसने अपनी माइनिंग को भी कम्प्लीटली बंद करने की बात की है। तो फ्रांस एक नए तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, दैट इज़ द ग्रीन टैक्स। ये आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है हमारे देश में जो अभी रिसेंटली वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आया था GST, कि इंडिया अडॉप्टेड GST स्ट्रक्चर फ्रॉम द विच कंट्री। तो अभी हम किसको टिक करते हैं, फ्रांस को। सो फ्रांस विल गोइंग टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन प्लेन टिकट्स फ्रॉम 2020 से जो प्लेन टिकट्स हैं उस पर फ्रांस की सरकार एक नया टैक्स लगाएगी, दैट इज़ ग्रीन टैक्स, जिससे क्लाइमेट को बेटर किया जा सके, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। नेक्स्ट अपडेशन है आपका एक स्टैचू से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने पढ़ा था एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, वो आपका गुजरात में है। दूसरा भी रिसेंटली एक और स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था जो महाराणा प्रताप का है लाहौर फोर्ट में, और यहाँ पर यह है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो स्टैचू है वह भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है वाराणसी UP। तो वाराणसी UP से एक अभी रिसेंटली इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा, BJP ज्वाइनिंग प्रोग्राम को रिलेटेड करके, ऑपरेशन कमल। और दूसरा अगर वह ये भी पूछता है आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री
एयरपोर्ट लोकेटेड एट, तो भी आपने किसको टिक करना है, वाराणसी यूपी। तो दो चीज़ें हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जो स्टेचू है वो भी वाराणसी यूपी में है, लाल बहादुर जो शास्त्री एयरपोर्ट है वो भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, वाराणसी यूपी में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अवार्ड की, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। तो ये जो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है वो NEFR को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अवार्डेड बाय द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। एक्चुअली में इस अवार्ड को, ये अवार्ड इनको इसलिए गया गया है कि इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का ईजाद किया है जिसकी हेल्प से ये एलिफेंट को रेलवे ट्रैक से दूर रख सकते हैं, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम बचा सकते हैं। तो इसके इस इनिशिएटिव के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, दैट इज़ द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड, चलिए एलिफेंट्स के नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेमा जगत से। तो अभी रिसेंटली जो मूवी थी रणवीर सिंह की गली बॉय, इसको सिलेक्ट किया गया है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, ठीक है। सो गली बॉय विंस द अवार्ड NETPSE नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। और ये जो मूवी है गली बॉय, ये डायरेक्टर की गई है बाई द जोया अख्तर, जो एक था। अब स्टेट से रिलेटेड कुछ अपडेशन करते हैं। तो सबसे पहला है आसाम से रिलेटेड। तो आसाम ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अक्षोम दर्शन, जिसके अंडर सरकार लगभग 316 टूरिस्ट स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगी और उनको डेवलप करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म है वह स्टेट में आ सके और उनकी इकोनॉमी एक्सपेंड हो सके, ठीक है। आसाम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी गवर्नर को हमने हज़ार बार किया हुआ है, ठीक है, आप गवर्नर जानते हैं जगदीश मुखी। और CM का नाम अगर हम बात करना चाहें तो वो भी आप जानते होंगे, अरविंद सोनोवाल। और आसाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क भी हैं, मानस और कांजीरंगा, यहाँ का फेस्टिवल और यहाँ का फोक डांस बिहू, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज़ एग्जोम दर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की। तो उड़ीसा आप जानते हैं नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं और जो न्यूली गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। सो उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस टू एलोकेट 10,000 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पद्मश्री अवार्ड विनर्स। तो उन्होंने बोला है कि उड़ीसा स्टेट के जितने भी पद्मश्री अवार्ड विनर हैं उनको एज अ फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगा स्टेट सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। और ये जो टोटल अमाउंट होगा वो मंथली होगा 10,000 रुपये का, दैट इज़ अनाउंस बाई द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल और जो वहाँ के CM हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। तो वहाँ की जो राज्य सरकार है उस राज्य के जितने भी लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उनको एवरी मंथ 10,000 रुपये एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेशन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने मेघालय स्टेट गवर्नमेंट पर 100 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है फॉर द इलीगल कोल माइनिंग, ठीक है। तो अवैध तरीके से कोयले की खनन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जो मेघालय गवर्नमेंट है उस पर 100 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाइए मेघालय की अगर हम बात करने जाएं, ठीक है। तो मेघालय की आप जानते हैं कि जो वहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय और वहाँ के जो CM है उनका नाम है कॉनरेड संगमा, ठीक है, सी संगमा वहाँ के CM है और दूसरा जो वहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। सुप्रीम कोर्ट में इस समय आप जानते हैं कि जो CJI है उनका नाम है मिस्टर रंजन गगोई, ठीक है। नेक्स्ट हम अपडेशन करते हैं डिफेंस एंड साइंस। तो इस बार डिफेंस एंड साइंस में इतना कुछ नहीं था, बस दो ही चीज़ें थी, एक नाग मिसाइल के बारे में और दूसरा था आपके ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है। बट ये अब्रिविएशन जरूर पढ़ते रहिएगा हमेशा, इसरो और DRDO। अब चंद्रयान सेकेंड जरूर हम लोग इम्पोर्टेंट बेस पे पढ़ने जाएंगे। चलिए एक बुक भी पब्लिश की गई जिस बुक का नाम था विवेका दीपनी, ठीक है। और ये जो बुक पब्लिश की गई है एक्चुअली में इनॉग्रेट की गई है बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, लेकिन ये जो पब्लिश की जाएगी बाय द वेदांता भारती ऑर्गेनाइजेशन। तो बुक का नाम याद रखिएगा विवेका दीपनी और ये जो पब्लिश की जाएगी बाय द वेदांता भारत ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस बार रोहित शर्मा बहुत न्यूज़ में रहे, ठीक है। रोहित शर्मा पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मैक्सिमम 100 सिंगल वर्ल्ड कप में बनाए, ठीक है, 4 की अगर हम बात करें। दूसरा है जो नलिनी सिंगल, बहुत फेमस रही, अपॉइंटेड एज अ भेल, जो आप जानते हैं भारत हैवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसकी CMD चेयरमैन डायरेक्टर बनाई गई है। नेक्स्ट IBPS में जो इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है उसमें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, दैट इज़ द बी हरिदेश कुमार। तो ये याद रखिएगा मिस्टर बी हरिदेश कुमार अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर इन IBPS। और इसके रिसेंटली जो चेयरमैन है उनका नाम है राजकुमार राय जी, ठीक है। आप जानते हैं कि इस समय जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप चल रही है
उसमें चार इंडियंस को गोल्ड मेडल दिया गया, जिसमें जो सबसे फेमस रही वो है मीरा चानू। तो मीरा बाई चानू के बारे में पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा वेट लिफ्टेड। इसी तरीके से हिमा दास जो आसाम से बिलोंग करती हैं, जिनको गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने भी, ठीक है। तो ये जो एसोसिएट हैं याद रखिएगा एथलेटिक्स से, तो एथलेटिक्स में भी हमको 4 गोल्ड मेडल दिए गए और जो वेट लिफ्टिंग है उसमें भी 4 गोल्ड मेडल अलोकेट किए गए। तो दोनों के नाम याद रखने हैं, एक हिमा दास का और दूसरा मीराबाई चानू का। नेक्स्ट अपडेशन है अर्जुन कुमार से रिलेटेड। सो अर्जुन कुमार अपॉइंटेड एज अ DGC। अर्जुन कुमार की अगर हम बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। अब एक फेस्टिवल है, आप जानते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल पूछता है एग्जाम में, जैसे फेस्टिवल में आता है आपका ओनम केरला का, दूसरा पोंगल आंध्र प्रदेश का, बिहू आसाम का। इसी तरीके से एक फेस्टिवल है तेलंगाना का, दैट इज़ द बोनालू। तो इट इज़ अ मानसून फेस्टिवल, ठीक है। ये मानसून फेस्टिवल है तेलंगाना का, जिसको नेम दिया गया बोनालू। तेलंगाना के आप CM जानते हैं चंद्रशेखर राव और गवर्नर आप जानते हैं ESL नरसिम्हा। एक फोर्ट भी है गोलकोंडा फोर्ट, कई बार पूछा उसने गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड एट तेलंगाना। और ये फेस्टिवल याद रखिएगा दैट इज़ द बोनालू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट इंटरनेशनल डे और नेशनल डे में। तो अभी जो रिसेंटली 1 जुलाई निकल गया था, 1 जुलाई निकला वो था आपका GST डे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। और रिसेंटली जो अभी 11 जुलाई था, दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना की और इंडिया सेकेंड पोजिशन पर है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया के लिए एक टारगेट दिया गया है कि मे बी 2027 के एंड तक इंडिया सरपास या क्रॉस टू द चाइना और इंडिया विल बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये था दोस्तों जुलाई 2nd वीक 2019 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ तक इस वीडियो को लेके जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। और मेरा भी मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली अपलोड करूँ, जिससे जो लोग क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। Thank you so much for watching this video.